हूँ लुप्ध होगा में आपका स्वागत है तो आज मैं ये म्यूजिक बल्ब को आ, स्मार्ट बल्ब बना के दिखाने वाला हूँ तो ये इस प्रकार का म्यूजिक बल्ब बहुत लोगों के घर में होता है बहुत लोग खरीदते हैं मैं इसको खोल के ही रखा हूँ स्पीकर है ऊपर रहता है ठीक है तो ये आप इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो इसमें कोई भी चेंजेस ना करते हुए इसको स्मार्ट बल्ब बनाते हैं मतलब स्मार्ट बल्ब बना के दिखाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कोई एक ऐप डाउनलोड किया मोबाइल में और उसके बाद मतलब मोबाइल में ही वो ऐसे कर रहे हैं। और दूसरे साइड में से रिमोट से उसको मतलब ऑपरेट करते हैं और फिर इसमें कलर चेंज करते हैं तो ऐसे बहुत लोग करते हैं ठीक है लेकिन आज मैं ओरिजिनल कैसे आप कर सकते हो इसको आ, आप मोबाइल ऐप से कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो वो मैं दिखाने वाला हूँ ठीक है पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम भी लगा था और सोचना भी पड़ा था इसके लिए और आपको भी मतलब कि डिटेल्स में अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हमें और यहाँ पे एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अभी इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज चाहिए जैसे कि एक कागज़ चाहिए वाइट पेपर ठीक है और एक पेन मैं ले लूंगा यहाँ पे और एक मल्टीमीटर चाहिए और इस एक बैटरी मैं यहाँ पे इसमें दो वायर में कलेक्ट करके रखा हूँ यहाँ पे देर सो so का एक रजिस्ट्रेन में कनेक्ट करके रखा हूँ आप यहाँ पे एक सौ एक सौ बीस से ऊपर आप लगाओगे तो अच्छा है ठीक है इसका जो सर्किट है उसको मैं पहले समझा दूँगा ठीक है तो पहले देखिए यहाँ पे इसको अगर आप देखोगे तो नॉर्मली सभी टाइप का मतलब कि म्यूज़िक बल्ब जो होता है उसका सर्किट डायग्राम सेम होता है स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग मिलेगा आपको किसी किसी में ये जो एलईडी है ये बीच बीच में ऐसा लगा हुआ लग रहता है आईसी ऊपर नीचे होता है ऐसे होता है लेकिन आ, सबका सर्किट जो है वो सेमी सेम ही होता है अभी देखिए यहाँ पे दो आईसी आपको मिलेगा एक ये जो आईसी है ये माइक्रो कंट्रोलर आई है ठीक है इसके अंदर ही सारे कोडिंग वगैरह सभी इसके अंदर ही है ठीक है और ये जो आईसी है इसका नंबर अगर मैं दिखाऊं तो ये है ए डबल जीरो टू ठीक है ये एक मतलब कि एम्प्लीफिकेशन करने वाला आईसी है ठीक है ये एम्पलीफायर है ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ये ब्लूटूथ का जो एंटना अगर, अगर आप कहो तो वो भी गलत नहीं होगा ठीक तो है तो ये ब्लूटूथ है ठीक है तो ये जो आईसी है इसमें क्या कोडिंग होता है नॉर्मली एक तो है ए ब्लूटूथ के थ्रू मतलब ऑडियो को खींचना ठीक है और उस ऑडियो को ये क्या करता है ए वाला आईसी में भेज देता है ठीक है फिर ये एम्पलीफायर जो है आईसी है वो एम्पलीफाई करके उसको ए वाला जो पोर्ट है ये आप देख सकते हो यहाँ से स्पीकर लगा हुआ होता है यहाँ से आप म्यूजिक को सुन सकते हो ठीक है तो इसका काम एक हो गया माइक्रो कंट्रोलर का और दूसरा जो काम है वो वो भी एक करता है वो क्या है देखिए ये जो आयर है आयर से जब आप इसमें रिमोट से कोई भी मतलब की यहाँ पे प्रेस करते हो तो ये आयर जो है ये उसको खींच के इस माइक्रो कंट्रोलर में देता है और माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है यहाँ पे तीन सॉरी चार ट्रांजिस्टर है तो ये चार ट्रांजिस्टर के थ्रू ये जो एल ई से बाहर के साइड इनको चलाता है ठीक है यहाँ पे दो टाइप का आपको एल ई डी मिलेगा एक है और ए एक है वैसे ये जो एल ई डी है एक आई सी है वो उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा तो यहाँ पे ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें कोडिंग करना थोड़ा मुश्किल है मतलब होगा भी या नहीं होगा वो मैं गूगल में बहुत सारे मतलब जगह पे मैं सर्च किया लेकिन इसका जो नंबर है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देने का कोशिश करूँगा आप देख सकते हो क्या है मतलब मुझे आ, इसको सर्च किया बहुत बहुत जगह पर लेकिन मुझे नहीं मिला तो इसीलिए इसमें करना थोड़ा सा मुश्किल है इसीलिए मैं थोड़ा अलग तरीके से मैं इसमें आ, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको स्मार्ट बल्ब बनाने का कोशिश करूंगा ठीक है तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये क्या करता है इसका जो दो ही काम है एक है ये ब्लूटूथ के थ्रू एक ऑडियो को सिर्फ खींचना बाकी ब्लूटूथ के थ्रू एक लाइट को कंट्रोल करने वाला कोई भी फीचर्स इसमें इन इनबिल्ट नहीं है ठीक है ये जो एलईडी है इसके बारे में अभी मैं बताऊँगा देखिए इसके बारे में मैं एक काम करता हूँ कि एक ड्राइंग में दिखाता हूँ उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी मिल सकता है देखिए जो पिक्सेल एलईडीस होते हैं ठीक है उसमें आपको कुछ इस प्रकार का एलईडी लगा हुआ मिलेगा कुछ इस प्रकार का होता है सिक्स पिन वाला कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो तो चार पिन वाला है ठीक है तो का जो नंबर होता है वो होता है डब्ल्यू एस टू एट वन टू ठीक है और चार पिन वाला जो होता है Ws2812b एस टू एट वन टू बी ठीक है उनका जो पिन डायग्राम होता है वो मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक नंबर जो पिन होता है डेटा पिन होता है डेटा आउट होता है दो नंबर डेटा इन होता है ठीक है आ, और यहाँ पे ये यह आप देख सकते हो यहाँ पे काटा हुआ एक साइन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा ये सर इसको अगर मैं थोड़ा पास से मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी यहाँ पे काटा हुआ एक साइन आप देख सकते हो मतलब प्लास्टिक के ऊपर ही थोड़ा सा काटा हुआ आपको निशान दिखेगा सब एल में आपको दिखेगा और इस एलईडी के अंदर ही आपको आईसी मिलेगा ठीक है जो है ए वाला ठीक है अभी एक नंबर जो हो गया वो हो गया आपका डेटा आउट आ, दो नंबर हो गया डेटा इनपुट और तीन नंबर जो है वी सी सी वी सी सी यहाँ पे दो तरीके के वी सी सी होता है एक हो गया आपका पावर सप्लाई जो कंट्रोल सर्किट के ऊपर और दूसरा जो होता है वो पाँच नंबर में आता है भी डी डी उसको कहा जाता है वो होता है एलईडी के ऊपर ठीक है दूसरा और सिक्स नंबर जो होता है ग्राउंड यहाँ पे चार नंबर यूज नहीं होता एन सी है और अगर ये तु, एट टू एट वन टू बी हो अगर होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पिन डायग्राम कैसा है ठीक है यहाँ पर भी सेम यहाँ पे काटा हुआ एक साइन आपको मिलेगा जहाँ पे काटा हुआ साइन मिलेगा वहाँ से एक नंबर आप पिन को काउंट कर सकते हो ठीक है ये पिन वन हो गया ये दो हो गया ये तीन और ये चार ठीक है यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक नंबर हो गया भी एस एस कि एस एस ग्राउंड होता है ठीक है और इधर हो गया दो नंबर जो है डी आई डी आई यानी कि डेटा इनपुट इधर तीन नंबर जो है भी सी सी यानी कि यहाँ पे एक ही वी सी सी है यहाँ से आपको मतलब पॉजिटिव जो है फाइव वोल्ट यहाँ पे देना होता है और इधर आपको चार नंबर जो है डी ओ डी ओ यानी कि डेटा आउट ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे जो सर्किट है वो थोड़ा सा अलग है तो यहाँ पे मैं सर्किट को दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे यहाँ पे फाइव वोल्ट का जो कनेक्टर है यहाँ से ये वाला जो है ठीक है फाइव वोल्ट का जो कनेक्टर है इसके ये वाला साइड है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव ठीक है अभी यहाँ से हमको मेजर करना है पहले यहाँ से मेजर करना है यहाँ पे आपको मतलब आपको मतलब कोई भी कुछ यहाँ पे ये यह जो ड्राॅइंग है इसको भी भी नहीं चाहिए यहाँ पे समझने के लिए ठीक है मैं सिर्फ समझा दिया कि कहाँ पर कौन सा आ, मतलब पिन का क्या वैल्यू होता है वो मैं सिर्फ दिखा दिया ठीक है इसका नंबर अलग भी हो सकता है ऐसा नहीं कि इसका नंबर आपका डब्ल्यू एस टू एट वन टू ही होगा ठीक है अलग भी हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पर मेंशन भी नहीं हुआ है ठीक है मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा दिया क्या क्या हो सकता है वो ठीक है अभी देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना मतलब फाइव वोल पॉजिटिव ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है इसका इस साइड में साढे पिन को शॉर्ट करके यहाँ पे कनेक्टेड है मैं इसको मैं मतलब कि मेजर करके दिखा हूँ यहाँ पे ये बी पाया ठीक है ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव पे पकड़ा हूँ यहाँ पे और कोई भी एक आईसी में कोई भी एक आईसी में यहाँ पे मानो ये देखिए एक मा, एक नंबर पिन में यहाँ पे एक पिन में ये दो नंबर जो पिन है वहाँ पे पकड़ा ये तीन नंबर जो है वहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है ठीक है सब में बीप साउंड आ रहा है यानी कि यहाँ पे सब जो पिन है वो कनेक्टेड है आपस में ठीक है यहाँ पे सब पिन आपस में कनेक्टेड है अभी ये जो साइड है यहाँ पे तो हम अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है ठीक है अभी दूसरा जो ये जो साइड है यहाँ पे तीन पिन है तो ये इसका कनेक्शन कहाँ है देखिए मैं थोड़ा सा ढूंढा ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा कि ये जो ट्रांजिस्टर है ना मैं पहले मैं कैसे कहा कि ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ही सप्लाई देता है क्योंकि मैं इसको देख चुका हूँ इसीलिए देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर के ए वाला जो पिन है ऊपर वाला ये जो पिन है यहाँ से ये रजिस्टर कनेक्टेड है ठीक है और इस रजिस्टर के थ्रू ये जो मतलब कि एल ई है इसका एक पिन के साथ एक कनेक्टेड है वो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंट है रेजिस्टेंट में टच किया और कोई भी एक रेजिस्टेंट में यहाँ पे ये यह देखिए ये लास्ट वाला जो पिन है ये लास्ट वाला पिन में ये कनेक्टेड है आपस में ठीक है और ये जो ये जो नंबर है ये वाला ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंट ये कनेक्टेड है ए दूसरा जो ए बाहर का जो एल है इसके साथ तो इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे ठीक है इसके साथ छेड़खानी करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंट है इसका उल्टा साइड आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर के ए वाला पिन के साथ कनेक्टेड है ठीक है इतना हो गया अभी इस जो ये जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर के एक वाला पिन यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ए वाला पिन ठीक है और ए वाला जो ट्रांजिस्टर है सबका ए वाला जो साइड है ये आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ये देखिए ठीक है और ये जो पिन है इस साइड वाला ये वाला पिन वो आपका माइक्रो कंट्रोलर से आया है ठीक है तो माइक्रो कंट्रोलर इसको कनेक्टेड मैंने इसको कंट्रोल करता है ठीक है तो यहाँ पे जब माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा तभी ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा ग्राउंड को इसके थ्रू ए ये ये वाला पिन में भेजेगा और ए पिन हो के रेजिस्टेंट होके आपका जो आईसी है एलईडी आईसी डी वहाँ पर यहाँ पे ये वाला पिन में चला जाएगा और सबका जो ये वाला पिन है वो आपस में कनेक्टेड है ठीक है सबका ये जो पिन है वो आपस में कनेक्टेड है यहाँ पे आप देख सकते हो सब में बीप साउंड आ रहा है तो सब आपस में कनेक्टेड है तो सब में वो वाला सप्लाई चला जाएगा ठीक है तो इसी प्रकार से कनेक्ट कर मतलब ये काम करता है बाकी जो ये जो दो मतलब कि ट्रांजिस्टर है ये भी सेम तरीके से ही काम करता है जैसे कि देखिए ये ग्राउंड में मैं पकड़ा एक पिन को एक प्रूफ को ठीक है यहाँ पे भी देखिए ये वाला जो पिन है ये ग्राउंड है ठीक है ये वाला ट्रांजिस्टर का ये ग्राउंड है ठीक है और ये जो पिन है यहाँ पे ये वाला साइट तो ये है आपका माइक्रो कंट्रोलर से आया है ठीक है तो माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा एक जब भी यहाँ पे आएगा तभी ये ग्राउंड इसके थ्रू यहाँ पे आएगा ठीक है और ये रेजिस्टेंट के थ्रू होके ये अपना जो एल ई है उसका कोई भी एक पिन में चला जाएगा देखिए ये ये वाला जो है ये कौन सा वाला में कनेक्टेड है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ देखिए ये जो है बीच में कनेक्टेड है ठीक है और ये वाला जो है ये वाला जो है ये ये इसको मैं अगर टच करूँ तो ये सबसे नीचे वाला कनेक्टेड है ठीक है मतलब सबसे नीचे वाला तो यहाँ पे मैं कलर जो है वो मैं दिखा देता हूँ और उस कलर को दिखाने के लिए ही मैं यहाँ पे बैटरी को यहाँ पे लिया था तो ये जलेगा आपका तीन कलर में जलेगा एक आर जी और बी ठीक है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको ये है नेगेटिव इधर पॉजिटिव तो उसी हिसाब से आपको लगाना भी होगा तो पॉजिटिव में पॉजिटिव डालना है पॉजिटिव कहाँ पे देना है देखिए ये जो फाइव वोल्ट है यहाँ पे आप डाल सकते हो यहाँ आप ये जो एल ई डी से एल ई डी यहाँ पे भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ से वो कनेक्टेड है डायरेक्टली कनेक्टेड है इन पिनों में ठीक है तो मैं यहाँ पे ही डाल के दिखाता हूँ आपको ठीक है सबसे पहले यहाँ पे मैं टच करके रखा हूँ अभी ये जो ट्रांजिस्टर है ए वाला एकदम लास्ट ए वाला ठीक है इसका आउटपुट ऊपर वाला पिन होके रेजिस्टेंट होके फिर जाता है तो रजिस्ट्रेन में अगर मैं देता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए ग्रीन कलर का जलता है ठीक है ग्रीन कलर में जलता है तो ग्रीन कलर ये यहाँ से कौन सा वाला पिन में गया है वो भी चेक करना है तो ए वाला कहाँ पर गया है नीचे वाला में टच करूँ तो नहीं जल रहा देखिए नीचे वाला में ब्लू जल रहा है तो ये ग्रीन नहीं है बीच वाला में रेड ऊपर वाला ग्रीन ग्रीन है ये ग्रीन यानी कि ऊपर वाला जो पिन है ऊपर वाला पिन के थ्रू ये रेजिस्टर कनेक्टेड है ठीक है और यहाँ पे मैं इसको मैं कहा था कि इसको मतलब चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये बाहर वाला जो एल है वो कनेक्टेड है यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है तो आप भी इसी तरह से चेक कर सकते हो कोई मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन पहले मैं सोचा था सोचा हूँ इसीलिए थोड़ा सा जो जितना भी मुश्किल है वो मुझे ही आया है बाकी और कुछ नहीं आपको आसान हो जाएगा समझने में यहाँ इन जो रेजिस्टेंट इन जो ट्रांजिस्टर हैं उनके थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो रेजिस्टेंट है तो इन ट रजिस्टेंट को भी मैं एक एक करके टच करके देखता हूँ देखिए इनको अगर मैं टच किया तो यहाँ पे रेड जल रहा है ठीक है ऊपर वाला जो लाइट है बहुत ज्यादा है इसीलिए आपको शायद उतना खास दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे फ्लैश लाइट जो है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ लेकिन ऊपर वाला लाइट को मैं ऑफ नहीं कर सकता लेकिन क्योंकि ये घर पूरा अंधेरा हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे ये यह वाला रे को मैं टच करूँ तो ये देखिए एल रेड जला और दूसरा जो है ये ब्लू का ये ब्लू है ठीक है अभी पहले मैं ये देखिए ये ब्लू है ठीक है तो यहाँ पे रेड कहाँ पर है रेड है बीच में ठीक है और ब्लू है उसके एकदम साइड नीचे यानी यहाँ पे ये वाला एल ई से ही मैं अगर दिखाऊं ऊपर है ग्रीन बीच में है रेड और लास्ट में है ब्लू तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका यूज करेंगे इसका जो रेजिस्टेंट है इसका यूज करेंगे ठीक है और ये वाला जो दो ट्रांजिस्टर है उसका ये जो रेजिस्टेंट है इसका यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे वो भी मैं बताऊंगा तो इसको पहले मार्क करना होगा कौन सा वाला कौन सा कलर है जैसे कि ये ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन हो गया इसको आपको मार्क करके रखना होगा ये ग्रीन होगा ये ब्लू रेड ठीक है अभी मैं समझा दूंगा क्या कैसे क्या, क्या करना होगा तो यहाँ पे मैं पेपर ले लिया हूँ तो पेपर में यहाँ पे मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ ठीक है देखिए एक तो हो गया <coughs> यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है सॉरी आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसका ए, यहाँ पे मैं सिर्फ एक बॉक्स करके दिखा रहा हूँ माइक्रो कौन्ट, माइक्रो कंट्रोलर जो है एम इसका आउटपुट जाता है और ट्रांजिस्टर में जाता है ट्रांजिस्टर जो है ये हो गया टी ठीक है ये टी में गया और उसके बाद टी के थ्रू जाता है कहाँ पे रेजिस्टेंट में ठीक है यहाँ पे रेजिस्टेंट हो गया आर ठीक है अभी आर से क्या यहाँ पे एलईडी में जाता है ठीक है एलईडी का एल ई डी एल ई डी के में जाता है ठीक है यहाँ पे आ, हम क्या करेंगे ये वाला सर्किट का यूज करेंगे ऑर्डिनो का थ्रू के ऑर्डिनो के थ्रू हम ये वाला सर्किट यूज करेंगे देखिए ये जो सर्किट है ये वाला सर्किट में पहले एक वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ ठीक है ये ऑर्डिनो का छोटा वर्जन है <coughs> इससे आप प्रोग्राम तो नहीं कर सकते लेकिन ऑडिनों के थ्रू आप प्रोग्राम करके ऑडिनों का जो आईसी है ए मेगा थ्री टू एट उसको यहाँ पे आप इन मतलब लगा के आप छोटा जगह से भी इसको मतलब चालू कर सकते हो छोटा एरिया में भी आप इसको सेट कर सकते हो ठीक है तो इसको कैसे बनाना है इसमें नया आईसी में कैसे प्रोग्राम करना है वो डिटेल्स में मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर आप एक वीडियो आप देख रहे हो ये वाला वीडियो में तो ये वाला वीडियो आपको आई बटन में जा आप, आप देख सकते हो तो पहले अगर आप ये वाला वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा समझने के लिए और यहाँ पे आ, मैं क्या किया हूँ इसका जो आउटपुट होगा उसको लेके मैं यहाँ पे तीन आउटपुट यहाँ से होगा जो तीन आउटपुट एक आर एक ग्रीन जो रेड है रेड यहाँ पे रेड कलर नहीं था इसलिए पिंक मैं यूज़ किया हूँ तो एक हो गया रेड ग्रीन और ब्लू तीन यहाँ पे आउटपुट जो कंट्रोलर से आएगा यानी कि ऑडिनो से ऑडिनो का तीन आएगा जो तीन यहाँ पे ट्रांजिस्टर में यूज़ किया हूँ ठीक है तीन ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पे मैं क्या किया हूँ ग्राउंड को लिया हूँ ठीक है यहाँ इसका जो ग्राउंड है वो सबका ग्राउंड सेम ही होगा वैसे पूरा बॉडी का ग्राउंड यहाँ पे पूरा सेम होगा इसीलिए जो ग्राउंड है ग्राउंड को ही मैं लिया हूँ ग्राउंड को मैं यहाँ पे ट्रिप किया हूँ ठीक है ट्रांजिस्टर के थ्रू तो ट्रिप करके यहाँ पे डायोड में यूज किया हूँ क्यों क्यों यूज किया हूँ वो मैं अभी बताऊंगा उसके थ्रू यहाँ पे मैं तीन आर uh, जी और बी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं कैसे किया हूँ देखिए एक हो गया यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर ए वाला माइक्रो कंट्रोलर उसका आउटपुट ट्रांजिस्टर में गया ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पे रजिस्ट्रेन रजिस्टेंट के थ्रू एलईडी और एक हो गया ऑर्डिनो इसको मैं ऑर्डिनो ही कहता हूँ कह रहा हूँ ठीक है ताकि आपको समझने में आसान हो जाए तो ये ऑर्डिनो हो गया तो ऑर्डिनो एक लिखता हूँ यहाँ पे ठीक है और दोनों के थ्रू यहाँ पे ट्रांजिस्टर में दे दिया हूँ तो ट्रांजिस्टर हो गया और ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पे मैं क्या किया हूँ एक डायोड सेक्शन में यूज़ किया हूँ डायोड सेक्शन ठीक है डायोड सेक्शन यहाँ पे दिया हूँ और डायोड के थ्रू यहाँ पे लेके आने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे ये वाला रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही एलईडी में लेके जाऊँगा ठीक है इसीलिए यहाँ पे मैं डायोड दिया हूँ देखिए इनपुट जहाँ पे होता है डायोड का साइन जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पट्टी वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हो ये पट्टी वाला हिस्सा यहाँ से इनपुट होगा इधर से आउटपुट होगा तो यहाँ से आप जो इनपुट होगा इसके थ्रू मतलब ऑडिनो के थ्रू वो इस साइड में जाएगा ठीक है उस साइड से इस तरफ ना आए इसीलिए डायोड का यूज किया हूँ यहाँ पे ठीक है तो उसी तरह ये जो रेजिस्टेंट है यानी कि ये कौन सा रेजिस्टेंट है ये वाला रेजिस्टेंट है ठीक है ये वाला रेजिस्टेंट है तो ये जो रेजिस्टेंट है ये रेजिस्टेंट और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर भी एक आपको डायोड लगाना होगा मतलब यहाँ पे यहाँ पे एक डायोडम को लगाना होगा क्यों क्योंकि यहाँ से ऑर्डिनो के थ्रू ट्रांजिस्टर होके डायोड होके रेजिस्टेंट होके एलईडी जाता है एक सिग्नल यहाँ पे गया और उसी सेम जो सिग्नल है वो यहाँ से मतलब ट्रांजिस्टर होके आपका जो माल माइक्रो कंट्रोलर है ये वाला वहाँ पे ना जाए इसीलिए यहाँ पर डायोड यहां एक यूज़ करना होगा ताकि ये प्रोटेक्शन है और कुछ नहीं ठीक है तो इससे क्या होगा दूसरा जो सिग्नल है वो माइक्रो कंट्रोलर को जाके हम नहीं करेगा ठीक है एक हो गया और माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो ट्रांजिस्टर के थ्रू आता है वो वाला ट्रांज वो भी यहाँ पे डायोड के थ्रू रेजिस्टेंट हो अगर एलईडी में जाता है तो यहाँ पे मैं ट्रांजिस्ट डायोड यूज़ किया हूँ क्योंकि इस तरफ से अगर आपके और में हम करें तो वो भी हम नहीं कर पाएगा क्योंकि डायोड है ठीक है तो इसीलिए लिए यहाँ पे एक डायोड मैं यूज़ तो ऑलरेडी कर चुका हूँ और भी एक डायोड यहाँ पे अपने को यूज करना होगा ये जो ट्रांजिस्टर है इस इसके बीच में तो यहाँ पे जगह बहुत ही कम है यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रेजिस्टेंट जो है इन रेजिस्टेंट को मैं थोड़ा सा मतलब डिसोल्ट करके थोड़ा सा घुमा के लगाने वाला हूँ ठीक है यहाँ पे ये ये वाला जो ट्रांजिस्टर है रेजिस्टेंट है इसमें मैं हाथ नहीं देने वाला है यहाँ पे सिम सिंब, सिंपल ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये इसमें भी हाथ नहीं दूंगा क्योंकि इस ये जो एस एम डी है ट्रांजिस्टर है इसका लेग बहुत ही छोटा है इसीलिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा सकता इसीलिए ये इस रेजिस्टेंट को भी मैं यहाँ पे डिसोल्ट करके थोड़ा सा घुमा के लगाने वाला हूँ इसको लगाऊँगा ये वाला रेजिस्टेंट और ये वाला रेजिस्टेंट ठीक है यानी कि आर जी बी तीनों को मैं यहाँ पे ढूंढ लिया हूँ ठीक है अगर मैं सिंपल तरीके से दिखाऊं तो एक सिग्नल आ रहा है वो एक डायोड होके यहाँ से जा रहा है और एक सिग्नल आ रहा है ऐसे ए ठीक है मतलब डायोड होके वो जा रहा है एलईडी में ऐसे अगर मैं सिंपल तरीके से दिखाऊं तो ये ट्रांजिस्टर वगैरह मैं अभी इसके अंदर यहाँ पे पड़ेगा ट्रांजिस्टर ठीक है तो अलग से ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे यूज़ करना होगा क्योंकि ये वाला ट्रांजिस्टर का यूज़ हम नहीं कर सकते बहुत ही छोटा है इसीलिए तो इसको मैं कैसे करूँगा मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम होगा समझने में और अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज़ को समझने समझने का भी जो सीन है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पे शोल्डरिंग करते हुए रेजस्टैंड जो कट गया था एक यहाँ पे जो था रेजिस्टेंट वो वाला कट गया था तो इसीलिए मैं दो टेन के का टेन ओम्स का दो रेजिस्टेंट को इस तरह से पैरल में करके इसको फाइव पॉइंट फाइव ओम्स का बना दिया हूँ यहाँ पे फाइव पॉइंट वन का एक ओम्स का रेजस्टैंड था यहाँ पे ये यह भी फाइव पॉइंट वन ओम्स का रेजिस्टेंट है ठीक है तो यहाँ पे ज़्यादा हीट होने के कारण से ये कट गया था तो मैं इस तरह से लगा दिया हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैं क्या किया था कि दोनों को एक साथ करने का सोच रहा था कि रिमोट से भी ये काम करेगा और बाकी ऑडिनों के ये जो अपना सर्किट है ये वाला इससे भी काम करेगा इसीलिए मैं इस तरह से बनाना के बनाने का कोशिश कर रहा था लेकिन काम नहीं हुआ एक्चुअली क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये जो अपना जो सप्लाई है ये वाला तो इसका जो एम्पेयर है वो उतना दे नहीं पा रहा है आई थिंक इसीलिए ये नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या किया इसका ये जो मेन आईसी है मदरबोर्ड का मतलब कि एस एम पी अपना एल ई डी का जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका जो आउटपुट है इसको मैं हर जगह से काट दिया हूँ यहाँ पे ये जो न, ये देख सकते हो आप ये ट्रांजिस्टर के ऊपर से यहाँ पे मैं घुमा दिया हूँ पूरा रेजिस्टेंट को ये भी घुमा दिया हूँ मतलब सिंगल इनपुट ले रहा है ये अभी मतलब कि ऑडिनों का जो इनपुट है वो ही ले रहा है यहाँ पे ठीक है बाकी इसका इनपुट यहाँ पे नहीं ले रहा है इसका इनपुट यहाँ तक आ रहा है ये वाला पॉइंट तक तो यहाँ से मैं इसको काट दिया हूँ तो यहाँ पे अच्छी तरीके से अभी काम भी कर रहा है और जो आउटपुट है मतलब कि ऑडियो जो यहाँ पे आउटपुट है वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है सिर्फ यहाँ पे ये यह जो आयर है आयर है यहाँ पे काम नहीं करेगा अभी ठीक है इसके थ्रू आयर काम नहीं करेगा ठीक है तो मैं इसको एक बार में चला के भी दिखा देता हूँ आपको तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो साउंड आया ये आ रहा है ये ये वाला ब्लूटूथ से ठीक है और इसका जो एलईडी चलेगा ये अपना ए सी जीरो फाइव से ठीक है तो ये रिमोट को मैं ऐसे ही रखा हूँ ये, 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 इसका यहाँ पे और कोई काम नहीं है क्योंकि इसका मैं जो कनेक्शन है वो कट चु कट काट दिया हूँ ठीक है अभी इस मोबाइल से मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊँगा अभी मैं यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन कर लूँगा तो यहाँ पे ये वाला इसका ब्लूटूथ है ठीक है ए साउंड आया ए ऑन हो गया है ठीक है अभी मैं कोई गाना चला देता हूँ कर सकता हैं ठीक है और अभी मैं इसका एक डी टी एल ये जो बी टी एल ई डी कनेक्टर है ये वाला है बी टी एल ए वाला जो ऐप है इसको मैं डेस्क ए, ए, इसके ऊपर मैं पिछला जो वीडियो मैं बनाया था उस वाले वीडियो में इसको मैं दे दिया हूँ ठीक है तो आईफन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा उस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक जीप फाइल रहेगा उस जीप फाइल के अंदर ये ऐप और ये जो कोडिंग मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ ए वाला मतलब कि ऑर्डिनोस एटी मेगा थ्री टू एट में तो वो भी उस ई जीप फाइल में मिल जाएगा ठीक है तो इससे मैं कनेक्ट कर लूँगा यहाँ पे ए सी ज़ीरो फाइव ढूंढना है पहले ए है ए सी जीरो फ़ाइव अभी देखिए कलर ये देखिए ब्लिंकिंग बंद हो गया यानी कनेक्टेड हो चुका है डिसकनेक्टेड दिखा रहा है यानी कनेक्टेड हो चुका है यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो अभी तो म्यूजिक भी मैं जला देता हूँ उधर एक साथ कलर भी यहाँ पे रेड कलर ग्रीन थोड़ा टाइम लेके के यहाँ पे करना होगा ब्लू पिंक बहुत सारे कलर है यहाँ पे तो मैं इसको अभी चैक कर लूँगा चैक करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं पूरा सेट कर लिया हूँ इसके अंदर पूरा सर्किट में डाल दिया हूँ अभी यह म्यूजिक बल्ब स्मार्ट बल्ब बन चुका है ठीक है तो ये फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो पसंद आए तो भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें चैनल में अगर अपने हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक तो के साथ तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे ट्यून स्टे क्रियस्टीप थैंक यू